एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट एग्जाम स्टडी। नीट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं, हम आज का लेक्चर होने वाला आपका ड्रेन सिस्टम के बारे में, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं ड्रेन सिस्टम के बारे में। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज द ड्रेन सिस्टम। आपका ड्रेन सिस्टम क्या कहलाता है? जहाँ से आपका वाटर फ्लो होते हुए निकलता है एक चैनल के फॉर्म में, एक नहर के फॉर्म में, है ना, जैसे कि रिवर जैसे निकलती है तो एक रास्ता बनाती हुई निकलती है अपना, तो वह हमारा ड्रेन सिस्टम कहलाता है। जिसमें से आपका 77% जो ड्रेन एरिया है वो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी का, कृष्णा, कावेरी, है ना, गोदावरी, ये आपकी कहाँ पे जाके ओरिजिनेट होते हैं, आपकी कहाँ जाके गिरती, किस तरफ जाके गिरती है? ये आपकी गिरती है टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और 23% एज कम्पेयर टू आपका जो बे ऑफ बंगाल है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग 100% का 23% आपका किस में गिरता है? अरेबियन सी में गिरता है। कौन कौन से रिवर आपके? इंडस हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, ये सारी रिवर किस में आके गिरती हैं? आपके अरेबियन सी में गिरती हैं। तो कुछ अब इनके पैटर्न्स देख लीजिए, इनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं सिस्टम के। आपका डेंट्रिक पैटर्न्स हो गया, जैसे एक ब्रंच ऑफ ट्री की जैसे होती है, डेंट्रिक पैटर्न हो गया। इसके बाद रेडियल पैटर्न देख लीजिए, जैसे एक रेडियल पैटर्न व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल, जहाँ से जो रिवर से हो हिल से आपकी ओरिजिनेट होती हैं, या फिर आपके जो ऑल डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, है ना, सभी डायरेक्शनों में, तो वो आपका रेडियल कहलाता है ना। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में फ्लो होती हैं वो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न्स कहलाती हैं। सेंट्रीपेटल पैटर्न जो डिस्चार्ज होती हैं वाटर फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, है ना, तो इन टू द लेक द डिस्पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं लोकटक लेक हो गया, जो मणिपुर में लोकटक लेक है, वो आपका सेंट्रीपेटल ड्रेन से है। तो ये कुछ पैटर्न्स है, एग्जाम में आती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडियाज़ होने चाहिए कि कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेन्स क्या कहलाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ओरिजिनेट नेचर एंड क्लास ए कैरेक्टरिस्टिक इंडियन ड्रेन्स इज क्लासिफिकेशन एज द टू टाइप्स, हिमालय ड्रेन्स और पेनिसुलर ड्रेन्स। तो दो तरह की ड्रेन्स होती है, हिमालय जो हमारा अपर पार्ट वाला है, इंडिया के अपर पार्ट वाला, और आपका जो लोअर आपके साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो पेनिसुलर पार्ट कहलाता है। तो हिमालय ड्रेन्स में हमारी क्या होती हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जिसमें सबके इंडस के बारे में बता दें, इंडस भी हमारी एक लार्जर रिवर्स है। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर्स इज़ द 2880 किलोमीटर्स समथिंग। तो इसकी लेंथ है। आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अब इंडस ओरिजिनेट होती है आपकी भूकर चू इन तिब्बत रीजन से निकलती है, यह वहाँ का नाम है तिब्बत रीजन से। ये क्लास नियर द आपके क्लास माउंटेन से होते हुए निकलती, कम से कम इसकी माउंटेन की रेंज है 4164 है। और इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ देख लेते हैं, जो अपर पार्ट में हमारी आती हैं, जो ज़्यादा एग्जाम में वो नहीं आती अपर पार्ट में, लेकिन आप देख लीजिए कौन कौन सी है, सहयोग, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, अनुब्रा ऑन द सिकर, गस्टिंग एंड धार इन द अपर पार्ट ऑफ, ये अपर पार्ट की ट्रिब्यूटरीज़। और हमारी लोअर पार्ट की जो हमारे इंडिया से होती निकलती है, जो लोअर पार्ट की ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी इंडस की, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि तो कितनी है आपकी, कौन कौन सी रिवर्स है, सतलज है, ब्याज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडिया की, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। फाइनली द इंडस डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी, फाइनली जा करके पाकिस्तान से होते हुए किस में जाके गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। और इसमें से कुछ आप देख लीजिए, कुछ झेलम फ्लो थ्रू द श्रीनगर, झेलम हमारी जो फ्लो होते हुए जाती है श्रीनगर से जाती है वुलर लेक से बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान। और झेलम जॉइन द चिनाब नियर द जंग इन पाकिस्तान। सतलज पासिस थ्रू द सिपकीला ऑन हिमालय रेंज इंटर द पंजाब। सतलज इज रिवर द फीड द कैनल सिस्टम इज भाकर अंदर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारे जाती है गंगा। गंगा वैसे गंगा की लेंथ वैसे मैक्सिमम बोली जाती है 25 किलोमीटर है, ये इसमें ऐसे ही दिया है, तो आप याद रखिएगा इसकी मैक्सिमम 25 किलोमीटर से दी है। तो गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर द गौमुख इन उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है आपको, ये हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से होती है नियर द गौमुख। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से हमारे नाम रहता है भागीरथी रिवर नाम रहता है। और जो यहाँ पे भागीरथी और आपके अलकनंदा से जो इनकी दोनों मीट होती हैं, वहाँ पे आपका क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। भागीरथी मर्ज विद द अनदर रिवर अलकनंदा एंड फ्रॉम देयर हिज द नोन एज अ गंगा। अब भागीरथी और जो अलकनंदा दोनों मिलती हैं, वहाँ से उसका नाम हो जाता है गंगा। द अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम द सतोपंत ग्लेशियर एबव द बद्रीनाथ।
जो अलकनंदा होती है सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है जो बद्रीनाथ से आती हैं। नेक्स्ट है मेजर ट्रिब्यूटरी अलकनंदा आर द धौली विष्णु गंगा दीज द टू रिवर मीट अ जोशीमठ विष्णु प्रयाग। सम द ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा आर द पिंदर ज्वाइन द करण प्रयाग। ठीक है, अब याद रखिएगा मंदाकिनी और काली गंगा ज्वाइंट आर रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी और काली गंगा मिलती है तो वहाँ पे आपका बनता है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल लेंथ ऑफ द गंगा 25-25 किलोमीटर इज शेयर बाय द उत्तराखंड 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ये शेयर करती है अपना वाटर जो भी है 1450 किलोमीटर और बिहार में करती है 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में करती है 520 किलोमीटर। और गंगा रिवर इस सिस्टम इज लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया सिस्टम इन इंडिया। जो हमारे इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो गंगा है। और सोन इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। मेजर लेफ्ट द बैंक ट्रिब्यूटरी आर द राम गंगा गोमती। इसकी बहुत जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं तो देख लीजिए आपकी जो सोन रिवर है वो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं और गंगा की, और जो लेफ्ट साइड की हैं तो लेफ्ट साइड की आपकी राम गंगा गोमती घाघर गंदक कोशी है ना और महानंदा। तो ये सारी इसकी बड़ी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी यमुना। जो यमुना आपकी जो ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर्स तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है वेस्टर्न स्लोप से। ये इसकी रेंज 6316 किलोमीटर्स की स्लोप में। यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यमुना ज्वाइंट द गंगा इलाहाबाद। अब यमुना जहाँ कहाँ पे ज्वाइंट होती है गंगा से, इलाहाबाद में होती है जहाँ पे आपका संगम बनता है उत्तर प्रदेश में। चंबल एंड सिंध इज बेतवा इज नोन एज द राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। जो चंबल और सिंध और बेतवा है ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके यमुना में जाके मिलती हैं। और चंबल राइज नियर द मऊ। ये मऊ जो आपके मालवा प्लेटू में आता है मध्य प्रदेश में आता है वहाँ से राइज होती हुई निकलती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ओरिजिनेट फ्रॉम द नेपाल हिमालय बिटवीन द धौला नगर एंड माउंट एवरेस्ट गंदक कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रीम्स नेमली काली गंदक और द त्रिशूला गंगक। इसके बाद हमारा आता है कोसी। कोसी ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट एंड तिब्बत वेयर इज नोन एज द अरुण और ओरिजिनेट फ्रॉम द गरवाल हिल्स। इसके बाद हमारा आता है दमोदर ग्रेन्स क्या से आती हैं। इट इज़ द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और फ्लो होती है फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली फाइनली जॉइंट इन हुगली। ये बाद में जाके हुगली में जॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र आपको सभी लोगों को पता होगा ब्रह्मपुत्र भी एक चाइना से होते हुए आती है। वहाँ पे ये नाम रहता है संगपो नाम रहता है और इसकी इंटर होती है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होती है नमचा पर्वत से आती हुई आती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द चमा यंगडुंग ग्लेशियर्स ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और जो इसका नेम रहता है तिब्बत में इसका नेम रहता है संगपो मींस द प्यूरिफियर। संगपो इज़ द मेजर राइट बैंक द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बती। और इसके बाद हमारा आता है ब्रह्मपुत्र इंटर इनटू द नियर द वेस्ट ऑफ द सर्दिया डाउन अरुणाचल प्रदेश और मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज़ द ब्रह्मपुत्र। तो जो बहुत बड़ी जो ब्रह्मपुत्र की बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो लोहित दिहांग और सिकांग बुरही दिहिंग और धनसरी ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर द सप्तनरी किमेंग मानस और सोंकस ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और टिस्टा जो जॉइंट होती है टिस्टा जॉइंट ब्रह्मपुत्र ऑन द राइट बैंक और इन बंगाल फ्रॉम हियर द रिवर नोन एज द यमुना। अब जब हमारी ब्रह्मपुत्र जाती है बांग्लादेश में इंटर होती है तो आपकी जो पहले तो संगपो रहती है चाइना में रहती है इसके बाद आपकी दिहांग रिवर हो जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। जैसे ही असम में इंटर करती है उसका नाम क्या रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर नाम रहता है असम में। जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम पड़ जाता है जमुना नाम से फेमस जाती है और पद्मा रिवर पे जाके मिक्स हो जाती है। गंगा से मिलती है और पद्मा जाके
और गंगा यहाँ से जाती है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है जो बांग्लादेश में जाके गिरती है, और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो मिलती हैं वो मेघना रिवर के नाम से बनती हैं। तो गंगा का पद्मा नाम हो जाता है और जमुना नाम हो जाता है, गंगा जमुना दोनों मिलती हैं तो एक मेघना रिवर से नाम की फेमस हो जाती है। यहाँ से पेनिनसुला देख लीजिए, पेनिनसुला रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो पेनिनसुला ड्रेन सिस्टम और द हिमालय रिवर्स। महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम सिवाहा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से होती है, सिवाहा इन रायपुर में होती है छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है, उड़ीसा। फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। टोटल लेंथ इसकी है 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर है। और पॉपुलरली नोन एज द दक्षिण गंगा अब गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है, दक्षिण गंगा का बोला जाता है गोदावरी बोला जाता है। ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला रिवर सिस्टम की, आप बोल सकते हैं पेनिनसुला रिवर सिस्टम की ये लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा था गोदावरी और दक्षिण गंगा को जिसके नाम से फेमस है, गोदावरी के नाम से फेमस है। तो गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इट वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। द टोटल लेंथ है गोदावरी की, टोटल लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर लेंथ है। और गोदावरी कवर द एरियाज ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये होती हुई निकलती है, किस में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट आती है गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश डिस्चार्ज द वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। अब इसके बाद इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटीज देख लेते हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राहिता और मंजारा आर द मेजर ट्रिब्यूटी ऑफ द गोदावरी। याद रखिए गोदावरी के बार बार एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके ट्रिब्यूटीज के नेम के एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपकी पेन गंगा, इंद्रावती है ना, प्राणहिता है ना, ये मंजरा, ये इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटीज हैं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटीज हैं। अब हमारा इसके बाद हमारी कृष्णा रिवर आती है, तो कृष्णा रवि ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वरम इन सह्याद्री। और कृष्णा इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग द पेनिनसुला, जो से पेनिनसुला बढ़े हैं वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। कोयना इज द कोयना, तंग तुंगभद्रा, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तुंगभद्रा, भीमा और कोयना ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हमारी कृष्णा रिवर की, तो याद रखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुछ इसके बाद हमारा आता है कावेरी रिवर आ जाती है। कावेरी रिवर फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स से होती है। 1341 मीटर किसकी लेंथ है, लोकेट होती है कोगाडू डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कर्नाटक से। नेक्स्ट आती है रिवर द, इसकी टोटल लेंथ हमारी है 770 किलोमीटर, कमांस बेसिंस एरिया 8.8 मिलियन हेक्टर। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटीज देख लीजिए कावेरी की, काबिनी, भावनी और अमरावती, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटीज है। इसके बाद हमारा नर्मदा आती है, नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इसकी लेंथ है मध्य प्रदेश में 1057 मीटर होती हैं। फ्लो होती है रिफ्ट वैली, लोकेटेड बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड द बिंद रेंज। नर्मदा फ्रॉम द धुआंधार वाटरफॉल, ये आपके नर्मदा रिवर में धुआंधार वाटरफॉल भी है, ये आपके जबलपुर में होगा, वहाँ वाइट मार्बल बहुत पाए जाते हैं। टोटल लेंथ नर्मदा कितनी है, 1312 किलोमीटर, 12 किलोमीटर्स है। फ्लो फ्रॉम फ्लो इन द वेस्टर्न डायरेक्शन, नर्मदा इज फाइनली एंट्री इनटू द अरेबियन सी इन द बारूच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ओरिजिनेट फ्रॉम द मुतई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और इसके बाद हमारी जो वेस्टर्न साइड जो फ्लो होती है हमारी नर्मदा और तापी, ये ऐसी हैं कि जो वेस्टर्न साइड फ्लो होती है, तो ये नर्मदा और तापी, तापी इज़ इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फ्लो रिवर एंट्री इनटू द अरेबियन सी। तो 79% ऑफ तापी बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, 15% इन मध्य प्रदेश एंड रिमेनिंग 6% इन गुजरात। इसके बाद हमारी थी लूनी रिवर आती है, लूनी रिवर इज लॉन्गेस्ट सिस्टम इन द राजस्थान, राजस्थान की लूनी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन लूनी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पुष्कर वेले ऑफ अरावली रेंज राजस्थान इन टू ब्रांचेस सरस्वती एंड साबरमती विच इज ज्वाइंट टू ईच अदर एंड गोविंदगढ़। फ्रॉम हियर रिवर इज नोन एज अ लूनी। लूनी फाइनली इज द डीब्रूच इज अरे इन टू द अरेबियन नियर बाय द रन इन कोच। लूनी रिवर आपकी ऐसी है, ये
कोई भी सी में नहीं जाती है, ये ज़मीन से निकलती है, ज़मीन में ही गायब हो जाती है। ये पहली ऐसी रिवर है जो किसी सागर में जाके नहीं मिलती है। तो गाइज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।